लाइक आपने सुना भी होगा कि उबर 10% कमीशन ले रहा है, 15% कमीशन ले रहा है, 20% कमीशन ले रहा है, बहुतों को मुझसे सुना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मदर अपने YouTube चैनल एटी ब्लॉग में करता हूँ स्वागत। दोस्तों आज जो बात करने वाला हूँ ना, आज उबर की पूरी पोल पुट्टी खोलने वाला हूँ मैं, समझे? तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहना मेरी ब्लॉग के अंदर। दोस्तों एक एक डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि उबर कितना झूठ बोलता है। आपके सभी भाइयों के पास नोटिफिकेशन आता है कि हम 10% से 15% कमीशन लेते हैं, लेकिन आज आपको ए टू जेड, आज मैंने वही एनालाइज किया सुबह से, एक भी ड्यूटी मैंने ऑनलाइन ट्रिप नहीं की है, प्रूफ के साथ दूंगा, सारा कुछ प्रूफ में मिलने वाला है आप लोगों को। तो प्लीज आप लोग चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों जिस भाइयों को लगता है कि उबर कमीशन कम काट रहा है, जिस भाई को लग रहा है कि उबर ज्यादा काट रहा है, तो आज आपको हकीकत आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। कोई भाई नहीं बता पाएगा कि ये एक्चुअल हिसाब था या नहीं था। जो मेरे पास, मैं आपको उबर की स्क्रीन दिखाऊंगा दोस्तों, है ना, तो आप लोग प्लीज बने रहना मेरे वीडियो में, और ये फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक को फॉलो कर देना दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आज मैंने सुबह 6 बजे राइड स्टार्ट की है, सुबह 6 बजे राइड स्टार्ट की, सुबह 6 बजे से लेकर मैं कंटिन्यू कैश के ट्रिप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक ये 1600 कुछ रुपए का काम कर चुका मैं, मतलब 1700 कुछ रुपए का, ठीक है, आपके सामने रहा स्क्रीन पे। और जितने भी राइड किया हूं, लाइक एयरपोर्ट भी, एक ट्रिप एयरपोर्ट का भी किया मैंने, बाकी सब लोकली किया, दिल्ली में, एनसीआर से बाहर नहीं, मतलब दिल्ली से बाहर बॉर्डर क्रॉस लोकल काम किया एनसीआर में। और आपको जैसे मैं बता दूं कि आज पूरे दिन कैश की ट्रिप के काम हुई है, मैंने अभी तक 4 बज गए और 4 बजे तक मैं अभी 1.5 घंटा से बैठा हुआ हूँ खाली, थोड़ा सा बॉडी का रेस्ट चाहिए, तो रेट भी ठीक ठाक नहीं मिले थे, पश्चिम बिहार में ही हूँ और यहीं से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो अभी फिलहाल आपको मैं एक उदाहरण दूंगा और लाइव प्रूफ दूंगा। होता क्या है ना कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कमीशन क्या है, ठीक है। कमीशन आपके सामने स्क्रीन पे मैं रख रहा हूं, ये मेरा काम हुआ है, ठीक है, और ये कैश कलेक्शन हुई है, मतलब 700 कुछ जो ये दिखा रहा है आपको, 700 कुछ रुपए ये मेरा वॉलेट में माइनस में है, क्योंकि ये उबर को कमीशन पे करना है, और कलेक्शन अमाउंट आप दोनों जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों, मतलब 2429 रुपए कैश कलेक्शन अमाउंट आया निकल के। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अगर आप 2429 रुपए के कलेक्शन अमाउंट निकल के आएगा तो उसमें उबर ने 700 कुछ रुपए जो कमीशन लिया है ये किस बात के लिया है, मतलब सॉरी मतलब कितने परसेंट कमीशन लिया है। मेरा सबसे मेन मुद्दा यह है कि आप लोगों को सामने हकीकत, जो उबर की गलती है वो आप लोगों को सामने पता लगनी चाहिए, कितने परसेंट। जो लाइक आपने सुना भी होगा कि उबर 10% कमीशन ले रहा है, 15% कमीशन ले रहा है, 20% कमीशन ले रहा है, बहुतों को मुझसे आपने सुना होगा 25%। आज एक्चुअल हिसाब जो आपको मिला है वो है 33%, ये रहा स्क्रीन पे, आपको आप डिवाइड करके देखिए 33% कमीशन इन्होंने लिया है, मेरे अकाउंट से इन्होंने डिडक्ट किया है 33%, समझ सकते हैं ना, मतलब 67 कमाई हमें दे रहा है और 33 अपना ले लिया। अब 33% में रहता है बात क्या है कि 33% उन्होंने, उनका तो उससे एक प्लेटफॉर्म चार्ज लगा लो दोस्तों, लेकिन अभी जो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अपना जो मेरा सीएनजी, मेरी गाड़ी, मेरी सब कुछ मेरा, मुझे मिला इतने पैसे। तो दोस्तों मैं सुबह 6 बजे जैसे कि निकला था और आप लोगों को मैं बताया हूं कि अभी तक के जो अर्निंग हो चुका है, अभी मैं मुश्किल से 4 घंटे और चलाऊंगा, 8 बजे रात तक मैं घर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सुस्त सा लग रहा है, पीछे छठ पूजा था, इसके वजह से हम लोग पूरा नींद नहीं कर पाए और ऐसा वैसा दिस डेट, और भी घर पे भी काम है, तो मैं तो कोशिश करता हूँ घर वाले काम पे भी फोकस करूं दोस्तों। तो आप लोग बताइए, जो उबर ने कैश कमीशन जो ले रहा है 33%, ये क्या सही है या गलत है? सबसे पहले तो आपका कमेंट आना चाहिए इस बात के लिए कि सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। और हम उबर के रिक्वेस्ट करेंगे कि उबर के जो भी अधिकारी हम लोग की वीडियो, जितने भी ओला उबर से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, उस पर आप लोग अपनी फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ड्राइवर की दया माया कोई नहीं सुनता साहब, समझे, ड्राइवर के हित में कोई नहीं बात करता है, चाहे नेता हो या अभिनेता हो या न्यूज हो, कोई भी नहीं बात करता, हम ड्राइवर के, हमारे पास यही यूट्यूब रह गया है ऑप्शन, आप लोग क्यों नहीं बात समझते भाई साहब,
कि आप लोग जो 33% कमीशन ले रहे हैं, आप तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट में कहते हो कि हम 10% कमीशन लेते हैं, बड़े बड़े मीडिया को वायर देते हैं कि आप 10% कमीशन लेते हैं, 10% कहाँ है कमीशन ये बताइए। मैंने आज पूरे दिन में यही इसलिए सारा कुछ काम किया है दोस्तों। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा दूर दूर तक उस भाइयों को जो भाई ये चीज जानना चाहता है कितने परसेंट कमीशन है, उबर का कितने परसेंट कमीशन है, आज आप लोग के सामने हकीकत में रखा हूं। इससे कितने लोग सेटिस्फाई है, बहुत तो गालियां देंगे कि झूठ बोल रहा है, भाई झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने स्क्रीन में मैंने सारा कुछ रख दिया है। और कहीं ना कहीं उबर ड्राइवरों के साथ गड़बड़ कर रहा है, तो उबर का अभी सभी के पास एक नोटिफिकेशन आया होगा कि उबर टूल करके आया है कुछ करके, वॉल्यूम टूल टूल टू टूल ऐसा कुछ करके आया है, तो उसमें उन्होंने अपना एक सजेशन डाला है कि मैं मतलब हमारी तरफ से जो सपोर्ट सिस्टम में दिक्कत होती थी वो हम पूरा कर रहे हैं, ऐसा मतलब जो सर्विस सेंटर है, मतलब बहुत सारी चीजें उसमें समझाया आपको, सभी बंदे के पास इस तरह का इनबॉक्स मैसेज आया होगा, तो आप लोग उस पर भी गौर कीजिएगा उबर क्यों ऐसा किया, समझने वाली पॉइंट है आपको, समझ रहे हो ना। जब तक आप समझेंगे नहीं इस बात को तब तक नहीं भैया, उबर बहुत बड़ी मछली है, और उबर उबर या ओला लाइक आप दोनों के ही कंपेयर करेंगे मार्केट में तो भाई इनके हाथ में जो ड्राइवर आया है उनको या तो काम करना पड़ेगा या तो संन्यास लेना पड़ेगा। जो भाई संन्यास नहीं लेना चाहता है भाई, वो हम जैसे भाई है, जैसे कि लाइक मैं उबर से अभी भाई घर तो जो भी दाल रोटी चल रहा है, बस तो कुछ नहीं रहा उतना, लेकिन फिर भी जो दाल रोटी चल रहा है वो उबर और लाइक अपना थोड़ा बहुत जो घर पे ऑनलाइन काम होता है उससे कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो आप लोग प्लीज सजेशन दीजिए मुझे कि ये जो उबर ने कमीशन काटा है, लाइक अभी ओला का भी मैं आप लोग को कभी रिव्यू देता, लेकिन ओला क्या है ना कि ओला मेरे अकाउंट को परमानेंटली ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो इसलिए मैं ओला का नहीं दे सकता, आपको उबर का दे रहा हूँ। और उबर के कितने लोग आप खुश है समझ ना खुश है कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरी बात कि आप अभी रैपिडो मार्केट में लॉन्च हुआ है, रैपिडो इन ड्राइव की तरह उन्होंने जीरो कमीशन रखा है, फ्यूचर में वो क्या कमीशन लेंगे उस पर भी आप लोगों को बारीकी से वीडियो आएगा। और दूसरी बात रही कि रैपिडो ने अपने रेट कार्ड जारी कर रखा है, किसी को दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको अगली एपिसोड में पूरी डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों कि अगली एपिसोड में कि रैपिडो ने क्या रेट कार्ड रखा, कितने किलोमीटर पर क्या रेट है और कितने किलोमीटर पर कैसा क्या है, तो आप लोग को जिस भाइयों को नहीं पता उसको भी पता लग जाएगा, जिसको पता है उसको थैंक यू, है ना दोस्तों। तो आप लोग मेरी बात को सहमत है तो प्लीज लाइक जरूर ठोकिएगा। अब इन ड्राइव की भी बात कर लेते हैं, इन ड्राइव ने क्या कचरा मार्केट में मचा रखा, अभी तो मेरे पास भाई एप्लीकेशन ही नहीं खुल रहा है, मैंने एक बार खोला भी बहुत दिनों बाद लेकिन नहीं खुल रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, इन ड्राइव को धन्यवाद, रैपिडो को भी धन्यवाद और उबर ओला को भी धन्यवाद दोस्तों, है ना। आप लोगों का सजेशन प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए फटाफट, उस पर आपकी विचारों को समझते हुए और फिर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और लास्ट में कहते रहेंगे हंसते रहो खिलखिलाते रहो देखते रहो 80 ब्लॉग, और अपना सजेशन जरूर डालिएगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए दोस्तों, है ना, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमें मोटिवेट करता है। तब तक के लिए जय हिंद।